हेलो फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूं। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगा जो नियर अबाउट हर टीनेजर, हर यंग बॉय एंड गर्ल की प्रॉब्लम है। खुद सम टाइम पहले ये प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स, उससे मैं भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता था, बहुत गंदा गंदा सा फील करता था। उससे बंदे का ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। आप फेस टू फेस किसी बंदे से बात नहीं कर सकते, आंखों में आंखें डाल के थोड़ा सा आपको अपनी हेजिटेशन फील होती है। फ्रेंड्स, वो जो प्रॉब्लम है वो है आपकी ये नोज के ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे डॉट्स आपने देखे होंगे, अक्सर आपके भी पड़ जाते हैं नोज के ऊपर, ये इसके नोज की साइड्स में, पिसम बंदों की चिन पे, थोड़ी पे भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन रीजन होता है कि आपकी ये वाली जो जगह होती है ये ऑयली होती स्किन होती है, स्पेशली जो नोज होती है। ये एवरी पर्सन की जिसकी स्किन ऑयली हो, जिसकी ड्राई हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल स्किन हो, तो कॉम्बिनेशन स्किन हो, तो उसके फिर भी मोस्टली लोगों का नोज को जो एरिया, नोज फोरहेड और जो थोड़ी वाला एरिया होता है, मोस्टली ये हमारी फेस का सबसे ज्यादा ऑयली पार्ट है ये। तो फ्रेंड्स, जब आप बाहर निकलते हैं, इसमें पोर खुले हुए होते हैं, पोर जिसके ये मसाम जिसके, तो इसमें डस्ट जाती है, डर्ट जाती है, वो उसमें जमती रहती है, जमा होती रहती है। उसके बाद भी वो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं जो देखने में बहुत गंदे, बहुत बुरे लगते हैं। तो वो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है उसको बहुत लूज कर देते हैं। आपको कॉन्फिडेंट होके किसी से बात नहीं कर सकेंगे, देखने में बुरे लगते हैं। क्योंकि देखिये, जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो इस तरह की फेस टू फेस बिल्कुल क्लियर हमारी लुक होती है। लेकिन सबसे पहले बंदे की जो मोस्टली नजर पड़ती है हमारी बॉडी पार्ट का, जो सबसे फेस क्या है ना, ये नोज वाले एरिया, नोज वाले एरिया पे पड़ती है नजर। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको जो भी बंदा जज कर रहा है वो आपकी फेस से ही जज कर रहा है। तो अगर आपका इस वाले एरिया पे ब्लैक हेड्स हैं, तो वो आप जितने भी तैयार हो जाएं, जितने भी आप वेल ड्रेस हो, जितने भी आप वेल लुक हो, लेकिन फिर भी आपकी लुक में वो नहीं बात होगी जो आए बंदे को एक थोड़ा सी डिस्कस्टिंग सी फील लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत उम्दा तरीन, एक बहुत बेस्ट एक रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो पर्सनली मैंने खुद भी यूज की है। तो देखिएगा कि इंशाल्लाह फ्यू डेज के ही इस्तेमाल से आपके वीक में आपने 1 से 2 डेज आपने इसे यूज करना है। देखिएगा आपके 2 या 3 से इसके आप अप्लाई करने से आपका देखिएगा तमाम ये जो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट आप इसे वीक में 1 या 2 बार इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपके देखिएगा नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह कभी इस तरह की ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होगी भी नहीं कहीं। आपकी हमेशा चेहरा चमकता हुआ, दमकता हुआ और खूबसूरत रहेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको आज की हमारी इस ब्लैक हेड्स की रेमेडी की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊं, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको नोज ब्लैक हेड्स को परमानेंट रिमूव करने का प्रोसीजर के बारे में बताया है, उसकी जो हमको रेमेडी बताई है उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता दूं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं फ्रेंड्स, उसके आपको लिए चाहिए होगा थोड़ा सा ये पुदीना, इस पुदीना मिंट आपको चाहिए होंगे। ये पुदीने को मैंने थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा क्रश करके काट के रखा हुआ है, ये पुदीना। इसके अलावा हमें चाहिए होगी जस्ट एक चुटकी हल्दी ये, और साथ में आपको चाहिए होगा 7 हर्बल उपटन जी, 7 हर्बल उपटन। तो फ्रेंड्स, 7 हर्बल उपटन की जगह अगर आप यूज करना चाहें तो स्क्रब भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का आप स्क्रब यूज कर सकते हैं। साथ में आपको यह है कि इसमें भी स्क्रबिंग के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो आपके नोज ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, आपकी जो डेड सरफेस सेल्स की जो लेयर होती है नोज के ऊपर बनी उसे रिमूव करता है और आपके अंदर की डर्ट को निकालता है और आपके जो है ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका बनाने का प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने बनाना किस तरह है। ये जो हमारा पुदीना है, इस पुदीने को आपने ये डाल देना है, ये आप किसी भी, अगर हमने इस पुदीने का रस निकालना है, देखें ये पुदीने का हमने रस निकालना है, ये पुदीने को आपने थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स, आपने ये ख्याल रखना कि जो पुदीना आपने लेना है
वो आपने इसके लिए जिस तरह ये देखें ये पुदीने की डंडियां हैं, ये डंडियों समेत लेना है क्योंकि हमने जो इन पुदीने का रस निकालना है, वैसे अगर आप ये रस निकालना चाहें तो किसी जूसर मशीन में भी निकाल सकते हैं या फिर आप कोई इस तरह ये ग्राइंडर वगैरह उसका ब्लेंडर है उसमें भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। जो सिलबट्टा होता है सिलबट्टे पे भी आप इसको पीस के इसका पुदीने का जूस निकाल सकते हैं या फिर हवन दस्ते में किसी भी तरह से आप इसे निकालना चाहें, बस हमने इसका जो मेन पर्पज है हमने इसका सिर्फ जूस निकालना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल हमने इसे अच्छी तरह क्रश कर लिया है। अब आपको इसमें देखें आप ना इसे इस तरह किसी भी ये आपका जो दूसरा बाउल है बाउल में आपने लेके इसे इस तरह क्रश हुए हुए सारे पुदीने को आपने लेके ये देखें ये इसका पुदीने का सारा रस निकल रहा है ये इसमें डंडियों समेत आपने इसका रस निकालना है। अच्छी तरह आपने इसे निचोड़ देना है जितना था हम ये देखें ये तमाम ये पत्तों का रस भी हमने इसमें निकाल लिया है। ये जब हमारा अब ये हमारा रेडी हो गया है ये देखें। अब हमने इसमें क्या करना है कि एक ये हल्दी की एक पिंच लेके इसमें ये हल्दी की ये डाल देनी है। फ्रेंड्स हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक फिर मुश्तमिल होती है, ये आपके जो स्किन के अंदर अगर कोई जर्म्स हैं उसको ठीक करता है, सेकंड आपके इन्फेक्शन नहीं फैलने देता है क्योंकि कदीम जमाने में भी चोट वगैरह पे या फिर जो कोई आ जाती थी चोट लग जाती है या फिर कोई मोच आ जाती थी पाँव में उसके भी हल्दी को गर्म करके बांधते थे ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाती थी। अब ये देखें ये इस तरह की शेप में आ गया। अब मैं आपको अप्लाई करने का इसका तरीका बताऊंगा कि आपने इसे किस तरह अप्लाई करना है और साथ आपको ये सेवन हर्बल उपटन का यूज करने का तरीका बताऊंगा कि आपने सेवन हर्बल उपटन भी किस तरह यूज करना है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको नोज ब्लैक हेड्स की या फिर आपके नोज के साइड्स पे ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं उनकी एक रेमेडी के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको पुदीने के पत्ते डंडी समेत और उसमें थोड़ी सी आपने एक पिंच हल्दी की डालनी थी और साथ में आपको रबिंग करने के लिए स्क्रबिंग करने के लिए नोज की मैंने आपको सेवन हर्बल उपटन के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स उससे पहले आपको स्पंज चाहिए होगा, अगर आपके घर में स्टीमर है तो वेल एंड गुड है, अगर आप स्टीमर नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि आपने स्पंज लेना है थोड़ा सा और आपने या फिर ना वो कोई भी आपने या फिर कोई कॉटन ले लें, कॉटन को थोड़े से नीम गर्म पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इसे स्पंज लिया मैंने आपने नोज पे ना थोड़ा सा क्योंकि ये जो हमारी पोर्स होती है पोर्स आप ही देखें जब बंद हुए हुए जब ये बिल्कुल इनमें डस्ट जमा होती रहती है बंद हो जाती है तो पहले इन्हें ओपन करना है ताकि आपकी जो नोज के जो पोर्स है वो ओपन हो सके और जो उनमें जितना भी डस्ट है जितनी भी डर्ट है वो तमाम बाहर आ सके, आपकी जो मसाम है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो सके ताकि नेक्स्ट आपको इस तरह की ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ना हो। तो ये है ये स्पंज, इससे आपने अपनी नोज को इस तरह आपने अपनी नोज को नीम गर्म पानी में डिप करके आपने इसे हल्का हल्का अपनी नोज पे मसाज करना है, मलना है अपनी स्किन पे थोड़ा सा नोज की जहां जहां भी आपके ब्लैक हेड्स हैं। देखिए नोज पे लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा दूसरा सेकंड स्टेप है वो है नोज की स्क्रबिंग ताकि आपके नोज में जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके और आपकी स्किन सॉफ्ट हो सके और वो बाहर निकल सके। तो अब आपने ये करना है कि आपने ये लेना है सेवन हर्बल। फ्रेंड्स अगर आप ना कोई दूसरा कोई स्क्रब भी यूज करना चाहें कोई छोटा आपके पास घर में पैक पड़ा है तो वो भी आप इजीली स्क्रब यूज कर सकते हैं। अब आपने इसमें थोड़ा सा ये लेना है और इसे अपनी नोज से अप्लाई करना है अपने इस तरह। मेन जो फ्रेंड्स इसका जो स्क्रब है या इसका ये जो उपटन है इसका मेन पर्पज है कि आपकी नोज पे जो ये जहां डस्ट जमा हुई हुई है डर्ट जमा हुई हुई है डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको वो रिमूव कर सके इजीली और आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी ना हो, स्क्रैचेस भी ना पड़े स्किन पे और वो इजीली रिमूव भी हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए अभी आपने इस तरह से रब करना है
ये इस तरह आपने इसे देखिए, इसको आपने थोड़ा सा जिस तरह ना ये मैंने लगाया था, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह थोड़ा सा जिस तरह ये होता है ना, ये बूल टाइप होता है, थोड़ा सा ये उतर रहा है, ये आपने इसे इस तरह इसे इस तरह आपने इसे रगड़ के उतार देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ना ये बूट टाइप बन गया, आपने इसे फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी जो नोज है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई है। इसके ना जो डस्ट थी, जो डेड पार्टिकल्स थे, वो सारे रिमूव हो गए, अंदर से डस्ट भी रिमूव हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आपने दोबारा करना ये होगा, आपको चाहिए होगा ये आपने वही नीम गर्म पानी में डिप करना है और अगेन अपनी नोज पे अगेन आपने इस तरह से करना, ताकि आपकी स्किन पे जो और ज्यादा जो डस्ट अंदर से है वो ये नीम गर्म पानी की वजह से सारी बाहर निकल जाए। आपने इसे अच्छी तरह से ये यहां से आपने इसे निकाल देना है। देन फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो अब आपने ये होगा कि आपके नोज के जो नेक्स्ट भी अगर आपके जो है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ना हो सके और आपकी स्किन ज्यादा क्लीन एंड क्लियर रह सके, तो उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप होगा। मैंने अभी आपको बताया था उसमें पुदीने के पत्तों के और डंडियों के रस था और साथ में छोटी सी हमने चुटकी इसमें एक नन्ही सी एक पिंच हल्दी की डाली थी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो चीजें हैं ये एंटीसेप्टिक खसूसियात की हैं, या आपकी स्किन पे जो अगर कोई जर्म्स होते हैं, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है या एलर्जी है, उसे रिमूव करता है। खासतौर पे जो पुदीना आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, मसामों को बंद करता है और आपकी स्किन को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। फ्रेंड्स, साथ में आप इसे एक्नी की प्रॉब्लम पे भी लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे अगर एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम है वहां पर भी आप इसे इजिली लगा सकते हैं। अभी फ्रेंड्स देखेंगे इस तरह का तैयार हुआ है। अब आपने इसमें उंगली डिप करनी है, क्योंकि इसे ब्रश से लगाने की जरूरत नहीं, छोटा छोटी जगह पे आपने अप्लाई करना है और आपने अपनी इसी तरह नोज पे लगा देना है। थोड़ा सा आपने इसे रब भी करते रहना और अपनी स्किन पे अच्छी तरह इसे लगा देना है। अगर आपके कोई एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है फेस पे किसी जगह, तो उस पर भी आप लगाइएगा, देखिएगा 2-3 बार के एप्लीकेशन से आपकी एक्ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपने इसे लगाना है थोड़ा सा और फ्रेंड्स ये देखिएगा, जब आप ये देखें कि ये आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, तो उसके बाद आपने इसे ठंडे पानी के साथ रिमूव कर देना। सोप ने आपने यूज नहीं करना, सिर्फ सोप आपने 1-2 घंटे बाद फेस वॉश यूज करना है, जस्ट आपने इसे सादे पानी से धो देना। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि चंद दिनों में ये आपका जो कॉम्प्लेक्स ये नोज ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है ये तमाम सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी और नेक्स्ट आपको कभी इसी तरह की ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।